फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यानी कि बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट टू हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में देखिए यूनिट टू में सिलेबस में क्या है, एल्केन है, एल्कीन है और डाइईन्स है। तो एल्केन हम लोगों ने खत्म कर लिया था और इसके लास्ट लेक्चर से पहले हम लोगों ने एल्कीन के मेथड ऑफ प्रोग्रेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म, E1 और E2 की मैकेनिज्म और उसके बाद इसकी अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में। यानी आज की क्लास में हम बात करेंगे एल्कीन कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस देता है, इसको सीखेंगे, याद कुछ नहीं करना है, रटना कुछ भी नहीं है, हम सीखेंगे क्योंकि केमिस्ट्री एक आर्ट है और केमिस्ट्री पूरे फार्मेसी की सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो एक आर्ट है, हम सीखेंगे कैसे हम इसकी कॉपी भर सकते हैं, कैसे ढेर सारे नंबर्स पा सकते हैं, कैसे ढेर सारे रिएक्शन खुद से बना सकते हैं, आज क्लास में ये सीखेंगे। इसके बाद बचेगा एक लेक्चर डाइईन्स के बारे में, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो यूनिट टू हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी मैं एक्चुअली थोड़ी सी स्पीड स्लो इसलिए हो रही है क्योंकि पूरा थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना है, फिर सेकंड ईयर पढ़ाना है, फिर डी फॉर्म बी फॉर्म सारा के लिए पढ़ाना है, तो थोड़ा सा स्पीड मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ इसके लिए कुछ कम है, लेकिन कोशिश करूंगा कि थोड़ा ज्यादा समय निकाल सकूं और काम कर सकूंगा। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का सबसे खतरनाक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझते हैं पहले, इसके बेसिक मैकेनिज्म को समझते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल को बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे, पहला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका नोट्स आपको मेरे पास मेरे ख्याल से ऑलरेडी है, बस हमको आपको समझाना है ये क्या होते हैं, आप समझ जाएंगे तो इसको आप खुद से भी लिख लेंगे। तो आपको नाम से क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होना है, तो पहले आप चीज समझिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास मॉलिक्यूल ए बी है और इसको डिसोसिएट किया, ये टूटा ए प्लस और बी माइनस। ठीक है, जैसे NaOH, Na plus OH minus, HCl, H plus Cl minus, NaCl, Na plus Cl minus, KBr, K plus Br minus। यानी कोई भी मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब भी डिसोसिएट होते हैं एक कटायन बनाते हैं और एक एनायन बनाते हैं। जो कटायन वाला पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको, आई रिपीट अगेन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और जो निगेटिव वाला पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप क्या समझ पाएंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बिकॉज प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लस वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। और माइनस वाले के पास प्लस चार्ज की कमी है, प्लस क्या होते हैं ना, न्यूक्लियस प्लस चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा यानी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो न्यूक्लियोफाइल। दे आर द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमको पता है, कोई मॉलिक्यूल जो हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल उसमें क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम अगर चाहे तो CH2 और यहाँ पे RCH है ना, ये कंपाउंड है। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फ्रेंड होता है, यानी किसी भी कंपाउंड के प्रेजेंस में, जैसे मैंने कहा कि या ये हमारा ई, चलिए हम इसको AB लिखते हैं, AB के फॉर्म में रिएक्शन में जब भी रिएक्शन करता है, तो बिकॉज क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है तो इसलिए जब देखो हमें पता है कि क्लीवेज दो प्रकार के होते हैं, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होते हैं, कब होते हैं फ्रेंड, कि जब दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, सेम नेचर के हो। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, क्या हो रहा है, दोनों ही सेम नेचर के, इसलिए होमोलिटिक होगा, अपोजिट होते तो हेट्रोलिटिक होता, यानी ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, और जो एक सिंगल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड कि इसमें हम एडिशन कैसे करेंगे, इसमें एडिशन कैसे करेंगे, अगले स्टेप में क्या होगा, RCH फ्री रेडिकल CH2 है तो इसमें हम रिएक्शन कराएंगे ए प्लस और बी माइनस का। ठीक है, ए प्लस और बी माइनस का रिएक्शन कराएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ सकते हैं, अब इसको दो तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं, RCH और CH2। अगर हम A यहां जोड़ते हैं, B यहां जोड़ते हैं तो एक कंपाउंड ये बनेगा, या हम दूसरी केस क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टूटेगा फ्री रेडिकल, इसको भी मान रहे हैं, ये हो जाएगा RCH, यहां B लगा दो और RCH2 और यहां A लगा दो। तो अब इसमें से देखिए फ्रेंड क्या है कि एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा, यानी जब भी इसमें रिएक्शन में हम एल्कीन में ए प्लस बी माइनस का एडिशन कराएंगे, अभी आपको मैं सुनाऊंगा मैकेनिज्म तो समझ आ जाएगा। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। ठीक है, तो कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, हम इसकी बात करेंगे, आपको समझाएंगे डिटेल्स में कि मेजर और माइनर कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, ये वाला जो हमारा है मेजर है और ये वाला हमारा माइनर, ये कैसे प्रूफ हुआ कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर और कौन सा प्रोडक्ट माइनर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर एंड माइनर, कि ज्यादा और कम। यस, जब भी रिएक्शन होगा तो ये हमारा इस रिएक्शन से दोनों प्रोडक्ट बनेंगे,
तो जो ज्यादा बनता है उसको मेजर कहते हैं, जो कम बनता है उसको माइनर कहते हैं। अब हम कैसे जानें कौन मेजर है कौन माइनर है, तो ये मार्कोनी क्रॉफ के नियम पे आधारित होता है। तो मार्कोनी क्रॉफ का नियम हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक सिंपल सा फ्रेंड मैकेनिज्म हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ढेर सारे एग्जांपल लेकर के हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं उसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज जानेंगे। हम यहां पर जानेंगे व्हाट इज द मार्कोनी क्रॉफ रूल। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द मार्कोनी क्रॉफ रूल, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं एल्कीन्स में, यहाँ पे एक बात आती है मार्कोनी क्रॉफ रूल। तो मार्कोनी क्रॉफ रूल का हिसाब से क्या है, मार्कोनी क्रॉफ रूल से आपने देखा ये ए और बी किसमें टूटा, ए प्लस में और बी माइनस में, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब ये जब यहाँ पे जो ऑप्शन है इस कंपाउंड में हमको ए और बी जोड़ना है, तो हम ए यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ए यहाँ भी जोड़ सकते हैं, बी यहां भी जोड़ सकते हैं, बी यहां भी जोड़ सकते हैं। जब ए यहां जोड़ेंगे बी यहां जोड़ेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और जब बी यहां जोड़ेंगे ए यहां जोड़ेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। मार्कोनी क्रॉफ ने कहा कि जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन कराइए तो इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल हमेशा उस कार्बन पे जोड़िए जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। I repeat again, कि जब भी आप मार्कोनी क्रॉफ रूल के हिसाब से किसी भी एल्कीन में एडिशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल को हमेशा उस कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। एक तरीका, इसको दूसरी तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी क्रॉफ रूल न्यूक्लियोफाइल एटम को हमेशा उस कार्बन पे जोड़िएगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब आप कान यहां से पकड़िए चाहे घूम कर पकड़िए, बात एक ही है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल वहां जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब आप इस रिएक्शन को एक बार देखिए, इस रिएक्शन में हमको ए और प्लस, ये ए हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और बी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें इस दो कार्बन में फ्रेंड जो दोनों एल्कीन वाले कार्बन थे किसमें ज्यादा हाइड्रोजन किसमें कम हाइड्रोजन है, इस वाले में एक हाइड्रोजन है और इस वाले में दो हाइड्रोजन है। तो मेजर के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल वहां जोड़ो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि ए हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो ए को हम यहाँ जोड़ सकते हैं और बी हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो बी को हम यहाँ जोड़ सकते हैं। यानी ये वाला जो रिएक्शन बनेगा मेजर बनेगा, और इसको उल्टा कर दो एंटी मार्कोनी क्रॉफ रूल कर दो तो क्या बनेगा, माइनर बनेगा। क्लियर हो गया फ्रेंड, एकदम ध्यान से बजेगा, यानी ये हमारा मार्कोनी क्रॉफ रूल है। अच्छा, इसी में एक रूल आता है एंटी मार्कोनी क्रॉफ रूल। एक बार में सारा समझ लीजिए उसके बाद हम रिएक्शन कराना शुरू करेंगे। एंटी मार्कोनी क्रॉफ रूल मतलब नाम से ही लग रहा है उल्टा, इसी को खरास इफेक्ट भी कहते हैं, खरास इफेक्ट, या इसको बोलते हैं पराक्साइड इफेक्ट। ठीक है, यानी एंटी मार्कोनी क्रॉफ रूल को ही फ्रेंड हम लोग खरास इफेक्ट भी कहते हैं और पराक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सेम रिएक्शन को हम पराक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम पराक्साइड हाइड्रोजन पराक्साइड, जब पराक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो मार्कोनी क्रॉफ रूल बदल जाता है। क्या बदल जाता है, जस्ट उल्टा। अब इलेक्ट्रोफाइल एटम उस कार्बन पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन कम है और न्यूक्लियोफाइल वहां पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी जस्ट उल्टा। तो इसको बोलते हैं पराक्साइड। यानी सेम रिएक्शन जब हम पराक्साइड की उपस्थिति में करा देंगे तो जो माइनर है वो मेजर बन जाएगा और जो मेजर है वो माइनर बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनी क्रॉफ रूल या पराक्साइड रूल। तो मेरे ख्याल से आप इस केमिस्ट्री के एडिशन में मार्कोनी क्रॉफ और एंटी मार्कोनी क्रॉफ रूल को समझ रहे होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हो गया। अब एग्जांपल हम ढेर सारे कर सकते हैं फ्रेंड, ढेर सारे कर सकते हैं, और इसको खुद से भी लिख सकते हैं। आपको वर्डिंग बना के खुद से लिखना है, मैं अभी आपको वर्डिंग्स नहीं लिखा रहा हूं कि वर्डिंग कैसे लिखना है, तो उसको वर्डिंग आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो अब पहला काम ये करिए, डिसाइड करिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में उन मॉलिक्यूल का नाम सर्च करिए जिन जो मॉलिक्यूल प्लस माइनस पे टूटते हैं। कोई सारा मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल आपको याद आ जाए समझो उतने रिएक्शन आप बना सकते हो। इतना आसान है ये केमिस्ट्री, आपको मैंने कहा ये कला है, आपको खुद बनाना है खुद सीखना है, रटना नहीं है। एक रिएक्शन मैं आपको एक रिएक्शन समझाऊंगा, आप 10,000 रिएक्शन खुद से लिखेंगे, आपको ये टैलेंट डेवलप करना है। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है तो ढेर सारे मॉलिक्यूल ढूंढ लो। जैसे ढेर सारे मॉलिक्यूल में ढूंढ लो, जैसे मैं कह सकता हूं कि एडिशन ऑफ वॉटर, पहला रिएक्शन भाई वॉटर से टूटता है प्लस माइनस में। जैसे मैं दूसरा कहूं नंबर बी एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैं आपसे तीसरा कहूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, चौथा कहूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पांचवा कह दू एडिशन ऑफ, यानी सी डी है,
ठीक है, ई हो गया। एडिशन ऑफ क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो एस सी एल ले लिया, एफ पे आ जाओ एडिशन ऑफ क्या ले सकते हैं, एस टू एस ओ फोर ले सकते हैं, जी पे आ जाओ एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, यानी ढेर सारे मॉलिक्यूल, मैं तो कम ले रहा हूं। एडिशन ऑफ एच पे आ जाओ हाइड्रोजन साइनाइड ले सकते हैं, मतलब अगर आपने एक बार तरीका सीख लिया ना तो ये सब रिएक्शन अटका नहीं है, मैं चुटकी बनाऊंगा चुटकी में। तो कैसे होगा, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हम जितनी चाहे उतनी कॉपी भर सकते हैं, ये तो हम 50 मॉलिक्यूल ऐसे ले सकते हैं फ्रेंड्स जो ए प्लस माइनस टूटते हैं, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटेट, परक्यूरेट, दुनिया भर का कर सकते हैं। तो अब हम इतने रिएक्शन का एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, चुटकी में करके दिखाते हैं। जैसे पहला रिएक्शन में करने जा रहा हूं, तो पहला रिएक्शन देखिए क्या है, हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका नाम फ्रेंड ट्रोपीन, ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका है, एल्कीन का। अब हम इसको रिएक्शन जब करेंगे फ्रेंड तो किससे रिएक्शन कर रहे हैं, चलो पहला वाला कर रहे हैं H2O से, किससे कर रहे हैं H2O से। अब हमको पता है कि दो प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि जब ये वाला बीच वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहां OH यहां जुड़ सकता है, ठीक है, H OH, या तो H यहां जुड़ेगा OH यहां जुड़ेगा, या OH यहां जुड़ेगा H यहां जुड़ेगा। तो सेम कहानी कर लो फ्रेंड, कैसे कर सकते हो कि एक रिएक्शन बन जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या कर सकते हैं, अगर H यहां जुड़े OH यहां जुड़े, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस वाले पे हमने OH जोड़ दिया और इस वाले पे हमने H जोड़ दिया, क्या बन जाएगा CH3CHOH CH3 बन रहा है। और अगर इसी को उल्टा कर दे फ्रेंड तो हम क्या कर सकते हैं CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, अब OH यहां लगा दो और H यहां। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर, भाई यही तो करना है, बस हमको पता है कि H2O टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। तो जब हमको ये पता है कि H-OH में, तो ये बॉन्ड तोड़ के एडिशन ही तो करा ना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो हमें पता है कि मार्कोनी का आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल बताओ क्या है, H और OH में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन है जो माइनस वाला है, तो न्यूक्लियोफाइल ही हो गया। अब मार्कोनी का आप कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल वहां जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन यहां कम है कि यहां कम है, सीधी सी बात है यहां कम है, तो जिसमें OH यहां जुड़ा है वो मेजर है, यानी देखिए इसमें OH यहां जुड़ा है तो ये मेजर है और यहां पे जुड़ा है तो ये माइनर है। अब सोचिए सिर्फ ये एक रिएक्शन हो गया, आपको अगर अब इसके और लंबा चाहते हो तो लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि व्हेन प्रोपीन इज रिएक्ट्स विद वाटर देन आफ्टर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे फॉर्म प्रोपिनॉल, इसका नाम क्या है प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉल टू प्रोपिनॉल वन, प्रोपिनॉल टू इज अ मेजर प्रोडक्ट, प्रोपिनॉल वन इज द माइनर प्रोडक्ट, कितना आसान है, ठीक है ना, प्रोपिनॉल नॉट प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉल टू इज द मेजर प्रोडक्ट एंड वन इज द माइनर प्रोडक्ट। अब सोचिए एक रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विथ वाटर, आपने ऐसे लिख दिया कॉपी भर गई, अब क्या करिए, चलिए हम दूसरा काम करते हैं, दूसरा रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विथ NaCl। अब आपको फ्रेंड क्या करना है, कुछ नहीं, आपको पता है NaCl से रिएक्शन कराएंगे किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो अब आपको पता है कि Cl माइनस यहां जोड़ोगे तो मेजर और यहां जोड़ोगे तो माइनर। अब क्या करिए, जहां पे OS था वहां पे Cl कर दीजिए, जहां पे NS था वहां Na कर दीजिए, जहां H है वहां Na कर दीजिए, और जहां Cl है OS है वहां Cl कर दीजिए। कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, बच्चों वाला खेल है, बस क्या करना है हमको प्लस माइनस ध्यान देना है, तो प्लस माइनस ध्यान दिया, जहां पे हमारा OS था वहां पे Cl कर दिया, बन गया रिएक्शन। अब फ्रेंड आप आगे रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, रिएक्शन विद HI, तो हमको पता है कि HI किसमें टूटेगा, H प्लस में और I माइनस, बस ये पता होना चाहिए कौन किस में टूटेगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ I जोड़ेंगे यहाँ H जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडो प्रोपेन या प्रोपिल आयोडाइड, तो जब यहाँ जोड़ेंगे तो मेजर और I यहाँ जोड़ देंगे तो माइनर, कितना आसान है ना। अगर अब ये सब रिएक्शन खुद से कर लेना, मैं पूरा नहीं कराऊंगा बारी बारी से, ठीक है। अब जैसे एच बी आर कराना है तो एच टूटेगा, अब आर माइनस टूटेगा, है ना, तो अब आपको पता है कि जब बी आर यहाँ जुड़ेगा तो मेजर प्रोडक्ट, BR यहां जुड़ेगा तो माइनर प्रोडक्ट एज पर मार्कोनी का रूल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड या ब्रोमो प्रोपेन, कितना आसान ना, ब्रोमिन लगा दो तो टू ब्रोमो प्रोपेन वन ब्रोमो प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट, वन ब्रोमो प्रोपेन इज अ माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा अब उसी तरह से HCl किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस, भैया Cl यहां जोड़ दिया तो मेजर और Cl यहां जोड़ दिया तो माइनर, यहां जोड़ दिया तो टू क्लोरो प्रोपेन या टू प्रोपिल क्लोराइड और यहां जोड़ दिया तो वन प्रोपिल क्लोराइड, टू प्रोपिल क्लोराइड इज अ मेजर और वन इज द माइनर। अच्छा H2SO4 कैसे करेंगे फ्रेंड, ये टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस, ये ध्यान दीजिएगा H प्लस HSO4 माइनस, तो जहां आपने Cl लगाया है वहां क्या लगा देंगे HSO4, और जहां पे Na लगाया वहां पे क्या लग जाएगा H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल सल्फेट,
तो टू प्रोपिल सल्फेट वन प्रोपिल सल्फेट, टू पे लगेगा तो मेजर, वन पे लगेगा तो माइनर, कितना आसान है ना। अब उसी तरह से नाइट्रिक एसिड एच प्लस एनओ थ्री माइनस, एनओ थ्री माइनस यहां जोड़ोगे तो मेजर, यहां जोड़ोगे तो माइनर। अब कुछ नहीं करना, बस प्लस माइनस को तोड़ के जोड़ना है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोप्रोपेन, टू नाइट्रोप्रोपेन इज मेजर, वन नाइट्रोप्रोपेन इज माइनर। HCl जोड़ना है H प्लस और Cl माइनस, हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये बनेगा टू साइनोप्रोपेन वन साइनोप्रोपेन। तो ये मैंने कुछ रिएक्शन कराए। अब आपको कॉपी भरना है, 10 नंबर 20 नंबर पे लिखना है भर। ये तो मैंने 8 रिएक्शन कराए, जितने मॉलिक्यूल दुनिया में जानते हो जो प्लस माइनस में टूटते हैं, सारे रिएक्शन करा के जोड़ते चले जाओ। और मैकेनिज्म लिखने का, मैकेनिज्म भी लिख लो तोड़ता आके। यानी ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और हमने इस रिएक्शन में दो चीजें सीखी, मार्कोनी का रूल एंड एंटी मार्कोनी का रूल। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे रिएक्शन नंबर टू की। रिएक्शन नंबर वन कितना आसान था फ्रेंड, हमने एक ही ट्रिक में सारे रिएक्शन को निपटा दिया। केमिस्ट्री मैंने पहले भी कहा है कि केमिस्ट्री बच्चों का खेल है, बस केमिस्ट्री को समझिए, केमिस्ट्री को रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसकी बात कर ले हम लोग। दिस इज ऑक्सी, मार्कर नहीं चलेगा थोड़ा सूखने दीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूं दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एक्चुअली फ्रेंड में दो स्टेप का रिएक्शन है जिससे एल्कोहल बनता है। इससे हम क्या पहले सुन लीजिए कि जब भी एल्कीन का रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के द्वारा कराया जाता है तो एल्कोहल का निर्माण बनता है। और ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट से, और दूसरे स्टेप में होता है डीमर्क्यूरेशन जब हम मर्क्यूरिक को रिमूव करते हैं बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोरेट यानी NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है। अगर इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, आप वर्डिंग में सुनिए मैं बोल रहा हूं कैसे लिखेंगे हम लोग, कि व्हेन एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद ऑक्सीमर्क्यूरेशन या एल्कीन्स अंडरगोस ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन देन इट फॉर्म एल्कोहल। क्या बनाता है, एल्कोहल। अब क्या कैसे बनेगा, ये रिएक्शन देखते हैं CH3CHOH एंड दिस इज CH3, क्या बन गया हमारा एल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अब ये दो स्टेप में रिएक्शन होते हैं, इसको समझते हैं। स्टेप वन की बात करते हैं, मैकेनिज्म पे आ जाओ तो स्टेप वन पे बात करते हैं। स्टेप वन में क्या होता है फ्रेंड, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज हमारा एल्कीन या हम इसको प्रोपीन कह सकते हैं, जो एल्कीन ही लिख रहे हैं। अब इसका रिएक्शन पहले कराओ मर्क्यूरिक एसिटेट से। देखिए फ्रेंड, अब आपको फॉर्मूला, अरे बाप रे मर्क्यूरिक एसिटेट कैसे याद करें भाई, बच्चे का खेल है भाई। एसिटेट जानते हो क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से क्या बनता है, एसिटेट यानी CH3COOH, इसे बोलते हैं क्या, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के लास्ट का H निकाल के इसके दो मॉलिक्यूल के साथ HG जोड़ दो तो क्या बन गया, ये बन गया मर्क्यूरिक एसिटेट, है ना। अब इसके बीच के बॉन्ड को डिसोसिएट कराओ, तोड़ो ताड़ो, क्या होगा, जब इसको तोड़ोगे इसमें टूटेगा ये टूटेगा CH3COO- और CH3COOHG+, इस मॉलिक्यूल में टूटेगा। तो अब इसका रिएक्शन जब यहां कराओगे तो तुम्हें पता है कि CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 यानी एक बॉन्ड बीच का टूटेगा, एक प्लस जुड़ेगा एक माइनस जुड़ेगा, तो एक यहां पे क्या जुड़ जाएगा, माइनस वाला CH3COO, ठीक है, और यहां पे जुड़ जाएगा CH3COOHG, यानी इसका दो पार्ट है ना, तो एक वाला पार्ट इसके साथ जुड़ गया और दूसरा वाला पार्ट एचजी वाला इसके साथ जुड़ गया। ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब स्टेप टू पे आ जाओ, स्टेप वन हमने देखा था, अब स्टेप टू पे आ जाओ। तो स्टेप टू में क्या करेंगे, अब हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्लोरेट से और इसका रिडक्शन कराएंगे। इसका रिडक्शन कैसे कराएंगे, ये हमारा मॉलिक्यूल है CH3CH, CH3COO, CH2 एंड दिस इज HG, CH3COO। इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोरेट से NaBH4, ठीक है, NaBH4, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्लोरेट। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरेट क्या करता है फ्रेंड, रिडक्शन करेगा, इस को रिप्लेस करेगा OH माइनस वाले को रिप्लेस करेगा OH से और H वाले को रिप्लेस करेगा H से, यानी क्या बन जाएगा CH3CHOH और CH2H, या इसको हम लिख सकते हैं CH3, ठीक है। और यहां से फिर से हमारा मर्क्यूरिक एसिटेट अलग हो जाएगा, ठीक है, जो CH3CO करके था ये मर्क्यूरिक एसिटेट वाला अलग हो जाएगा। तो इस एक साइड में कुछ नहीं था फ्रेंड, पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसिटेट टूटा तो एक मॉलिक्यूल यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया प्लस माइनस का, दूसरे स्टेप में रिडक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्लोरेट के साथ तो CH3COO- रिप्लेस हो गया OH- से,
और HGCH3CO रिप्लेस प्लस रिप्लेस हो गया H प्लस से, तो ये हमारा बन गया सिंपल सा एल्कोहल। ये हमारा सिंपल सा रिएक्शन है ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो स्टेप वन में मर्क्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरेशन रिएक्शन। और दूसरे स्टेप में मर्करी को रिमूव कर रहे हैं, तो नाम इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ओके, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, दो स्टेप में हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे रिएक्शन की, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की, या इसको डाइमराइजेशन भी कहते हैं। अच्छा फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, आपने जब पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 12th में पढ़ा होगा, तो आपने पॉलीमर चैप्टर को बहुत डिटेल में समझा होगा। तो पॉलीमर में क्या होता है कि दो सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जुड़ के एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू कर देते हैं, इसको इस तरह समझिए। मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं, रिएक्शन हमारा क्या, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तीसरा है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, हिंदी में कहते हैं बहुलकीकरण। कैसे होता है फ्रेंड, ये हमारे पास एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। अब इसका रिएक्शन जब भी परऑक्साइड के साथ, किसी भी परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये टूटता है फ्री रेडिकल। तो इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n मतलब दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, बीस भी हो सकते हैं, हजार, दो हजार, सब हो सकते हैं। और ये क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH2, और इस तरह से n यानी लंबी चैन बनती चली जाएगी। इसको बोलते हैं पॉलीमर। ये हमारा सिंगल मर है, इसको बोलते हैं मोनोमर, और इसे बोलते हैं पॉलीमर। अगर ये एन हटा के ना हटाते तो डाइमर हो जाता, दो पार्ट हो जाता। अब ये रिएक्शन फ्रेंड कैसे होता है, इसको समझते हैं मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म समझते हैं कि पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। तो देखिए, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और पराक्साइड के साथ जब हमने इसका रिएक्शन कराया, तो ये डिसोसिएशन होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो क्या क्लीवेज होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल और CH2 सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल स्टेप टू में, ये स्टेप टू वन में क्या होगा, अब ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे। ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल बना है फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल दूसरे पे अटैक करेंगे, और जब ये दूसरे पे अटैक करेंगे तो ये भी टूट जाएंगे किसमें, फ्री रेडिकल में। ये कैसे टूट जाएंगे, CH2 फ्री रेडिकल CH2, और ये वाला जो होगा CH2 ये बगल में है, CH2 फ्री रेडिकल CH2। और आपको पता है कि क्या बनते हैं फ्री रेडिकल से, सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी ये दोनों टूटेंगे, ये दोनों हटा के क्या बन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, यानी ये स्टेप बन गया चार। अब ऐसे बढ़ाते जाओ, दो मॉलिक्यूल फिर जोड़ दोगे, फिर दो CH2 जुड़ जाएगा, फिर जोड़ दोगे, फिर जुड़ जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल के द्वारा पॉलीमर रिएक्शन बनते आते हैं, धीरे धीरे लॉन्ग चेन बनता है। पता है आपका नाम, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम पॉलीथीन होता है। जी हाँ, जिसको लोक सरकार कई बार बैन कर चुकी है, बैन हो नहीं रहा है, और आप ढेर सारा यूज करते हैं पॉलीथीन का, दे आर कॉल्ड पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो है वो हमारे समाज के लिए इतना डेंजरस क्यों है, नेचर के लिए इतना डेंजरस क्यों है, वो क्यों नष्ट नहीं होता है, वो क्यों डैमेज नहीं होता है, ये इसका जवाब इसकी केमिस्ट्री में छुपा है। क्यों पॉलीथीन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, चाहे जितने साल बाद निकालो जमीन से खोद के उतना ही रहेगा, तो ये इसका जवाब इसकी केमिस्ट्री में छुपा है। अब आप इसकी केमिस्ट्री देखिए और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर जवाब दीजिएगा कि पॉलीथीन जो है वो क्यों डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्यों, ऐसा क्या केमिस्ट्री है। जिसका जवाब सही मिलेगा, मैं उसको कोई भी एक चैप्टर यानी एक यूनिट का नोट्स उसको मैं फ्री में भेजूंगा उसके व्हाट्सएप पे, जिसका जवाब सही आएगा। ठीक है, तो आपके लिए आप चैलेंज एक्सेप्ट करिएगा। तो अब अगला रिएक्शन फ्रेंड करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने तीन देख लिया, चौथे की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप जानते हैं क्या होता है, कि ऑक्सीजन का एडिशन करना। ठीक है, सिंपली क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन। अब इसी में हम हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो सकता है कि अगर हमने, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एल्कीन है, और इसका रिएक्शन हम करा दें K1O4 किसके साथ करा दें फ्रेंड, बेसिकली पर है हमारा K1O4 क्या होता है, परमैंगनेट होता है, या नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें, ये दे आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल से क्या होता है, एडिशन वाटर का ही होता है, CH2CHO एक या तो ये बनेगा जिसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड, CH3CHO, और दूसरा केस में क्या बन सकता है, CH3COOH, यानी एसिटिक, देखो एसिटिक एल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, यानी दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करेंगे तो दो ऑक्सीजन ऐड होगा तो एसिटिक एसिड बनेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और अगर सिंपल यानी कोई भी सिंपल सा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जब भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, एल्कीन्स का कन्वर्जन किसमें होता है, एल्डिहाइड में या एसिटिक एसिड में।
अच्छा इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर रिएक्शन नंबर 5 वगैरह रिडक्शन में करा दे तो आपको पता है रिडक्शन क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है वैसे रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो ये क्या है हमारा फ्रेंड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इसमें जब भी हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे आपको पता है पहले ही पढ़ चुके हैं किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम है, निकिल है, कॉपर है या सोडियम हाइड्रोबोरेट है, किसी भी रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा और इसमें एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं CH3। क्या बन गया, ये एल्कीन था, अब एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन, यानी एल्कीन से एल्केन बनना कौन सा रिएक्शन है, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, कि जब भी हम एल्कीन का रिडक्शन कराते हैं किसी मेटल की प्रेजेंस में तो ये होता है। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं लोग फ्रेंड्स, छठवा ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको समझते हैं, आसानी है, कॉम्प्लेक्स है, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी टीडियस है तो मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है। यानी क्या है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, इसका रिएक्शन जब भी हम ओजोन से कराते हैं, ओजोन का पता है फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, O3। तो जब भी हम ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो एक ओजोनॉइड कंपाउंड बनता है, ओजोनॉइड कंपाउंड कैसे बनता है, देख रहे फ्रेंड इस तरह से जुड़ेगा, ये O3 मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से जुड़ता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड को ओजोनॉइड, क्या बनता है ओजोनॉइड। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम ओजोन का रिएक्शन, ओजोन के रिएक्शन कराते हैं एल्कीन का, तो बॉन्ड डिसोसिएट होकर ओजोनॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब ओजोनॉइड को फर्दर अगर हम किसी रिएक्शन के साथ इसको ब्रेक कर देंगे तो ये क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये कीटोन में टूट जाता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन में ये टूट जाता है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है, आप ढेर सारे रिएक्शन अपने से लिख के इसकी कॉपी को भर सकते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर यूनिट नंबर 2 में हमने एल्केन पढ़ लिया और एल्कीन पढ़ लिया, अब एक ही टॉपिक रह गया है डाई इंस के बारे में। तो डाई इंस का भी उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, एक लेक्चर और लगेगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 2 का चैप्टर यूनिट 2 हमारा खत्म हो जाएगा। फिर ठीक है, हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड स्लो है फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि काफी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि एनर्जाइज करूँ खुद को और आपके लिए लेकर चलाऊँ। थैंक यू।